हेलो एवरीबॉडी। वैसे आज मेरे को सर्दी है तो मैं शायद ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और खुद भी याद रखना चाहता हूँ कि किस तरह एनिमेट सीसी में हम बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। और बटन्स एक सिंबल है, ओके। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। एनिमेट सीसी में क्या, न्यू डॉक्यूमेंट लिया। अब पहले देखते कि बटन होते क्या है। तो सिंपल सी बात है, बटन्स बटन है, मतलब बटन जिसको हम दबाते हैं। सपोज अभी मैं ये है फ्लैश फ्लैट 25 लिखा, ये एक बटन है, इसको मैं दबा रहा हूँ तो कुछ खुल रहा है। उसी तरह हम किसी वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट में जाके होम का बटन लिखा होता है, उस पर क्लिक करते तो होम खुलता है। जैसे यहाँ फाइल लिखा हुआ है तो फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल खुल रहा है, तो फाइल एक बटन है। तो इसी तरह के बटन्स हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं फ्लैश में, जो कि यूज़ हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर या तो किसी गेम्स के अंदर। जैसे गेम्स में कोई बटन दबाता है तो कुछ एक्शन होता है, लाइक दैट। सो बटन को स्टार्ट करने के लिए पहले एक सिंबल बनाना होगा कोई भी, जिससे कि हम शो कर रहे हैं कि ये सिंबल से हम काम कराना चाहते हैं। तो इसको मैंने बना लिया। अब इसको बटन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला है कि बटन एक सिंबल है, तो फिर इस पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। तो जिस यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शंस दे देगा, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। तो मैं इसको बटन सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, ओके प्रेस किया। अब ये बटन बन चुका है, ये जो भी सर्कल है। अब इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा और मुझे शो करेगा कि यहाँ पे अप, ओवर, डाउन और हिट चार एरिया हैं मेरे पास इस बटन के। तो मैं F6 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 प्रेस करके 3 बार इसकी कॉपी बना देता हूँ और इसको उन तीनों की फ्रेम्स में डाल देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बटन के अंदर ही जाते हैं, हमको ऑप्शन दिखेगा अप करके। तो ये अप क्या है? अप का मतलब यहाँ पे बेसिकली और सिंपली एक ही चीज़ है कि अप मतलब जो भी तुमको ये चीज़ दिख रही है, मतलब बटन के अंदर बटन का जो भी तुम्हारा शेप है, या तो जो भी तुमने नाम रखा होगा तो होम रखा होगा तो होम, तो वो जितना भी चीज तुमको दिख रहा है, शो कर रहा है, वो जितना भी अपीयर हो रहा है, वो तुम्हारा अप में आता है। फिर आता है ओवर। ओवर का मतलब होता है कि जब भी ये अपीयर हो रहा होगा और इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जो भी मैंने एनिमेशन किया होगा सिंपली वो होगा। तो अभी इसको जस्ट शो करने के लिए मैं सिंपल सा एक एनिमेशन कर लेता हूँ। इसको यहाँ अंदर से मैं F8 प्रेस करके मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर देता हूँ। और अभी मैं इसको डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। तो अभी इस बटन के अंदर मैंने एक मूवी क्लिप बनाई और अभी मैं उसके अंदर हूँ। तो एक न्यू लेयर लेता हूँ, नीचे डाउन में यही रहने देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे को इसको करने का क्या है? तो मेरे को इसको सिंपली बस इसका कलर है ना, मेरे को चेंज करने का है। तो इसको तो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो एग्जैक्टली इसी के शेप का एक कलर मैं चेंज कर पाऊँ। कंट्रोल अल्टर सी से मैंने इसको कॉपी किया, इसके फ्रेम में आया, कंट्रोल अल्टर वी प्रेस किया, ये पेस्ट हो गया। अब सेम ये जो प्रेस हुआ है इसका एक मैं यहाँ से एक बारी कलर चेंज कर देता हूँ। कोई भी कलर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, ज़्यादा भी नहीं। एक और F6 प्रेस किया, फिर से इसका कोई कलर चेंज कर दिया, थोड़ा और आगे गया, एक और F6 दिया, एक और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर देता हूँ। नहीं, ग्रीन तो पहले ही था, रेड कर दिया। तो सिंपली अब मैं सबसे बाहर चला जाता हूँ, ये रहा मेरा सिंबल। अब मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ जिससे कि मेरे को मेरी मेन स्क्रीन दिखेगी। तो अब मेरा कर्सर इसके आजू बाजू घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बट अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये कोई जादू 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 आदू पादू जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। सिंपली बस मैं इसके अंदर गया, मैंने ओवर में गया, ओवर जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर कर्सर, ओवर मतलब उसके ऊपर जो भी आपका बटन है उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो वो जो भी आपने एनिमेशन दिया होगा वो होगा। तो जिस तरह से ये हो रहा है, ओके। तो सेकेंड थिंग जो मुझे इसमें बतानी है वो है डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब एक्चुअली हिट होता है, कि जब भी हम इस सिंबल मतलब बटन को क्लिक करते हैं, मतलब हिट करते हैं, लेफ्ट क्लिक अपने माउस से प्रेस करते हैं, तो जो भी चीज़ होती है या जो भी एनिमेशन होगा या जो भी कोई नया पेज खुलेगा तो वो इस डाउन में आता है।
एक्चुअली डाउन का नाम इनको हिट देना चाहिए था, पर इनका थोड़ा उन्हें डाउन की जगह हिट और हिट की जगह कुछ और ही है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो अब डाउन में पहले डबल डाउन में भी मेरे को एक इस ये जो सिंबल का मैंने कॉपी लिया था उसका F8 करके मूवी क्लिप बनाना होगा। मूवी क्लिप मूवी क्लिप मूवी क्लिप सॉरी हाँ मूवी क्लिप ही था। मैंने मूवी क्लिप बनाया, मूवी क्लिप के अंदर गया, एक और लेयर ली, लेयर ले हाँ ली। अब इसमें कोई भी एक एनिमेशन कर देता हूँ छोटा मोटा अगेन, जैसे कि डाउन होने पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं शो करना चाहता हूँ कुछ भी। तो सपोज यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, इसको थोड़े से फ्रेम्स दे देता हूँ, F6 या तो F5 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने देर तक ही रहेगा। तो अब सिंपल सी बात है, मैं बाहर आता हूँ अगेन मेन टाइमलाइन में, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर किया, इसके ऊपर लेके गया तो एनिमेशन हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, जो एनिमेशन हो रहा है इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है कुछ भी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर लेके जाओ तो क्या एनिमेशन होता है, जो एनिमेशन होता है उसको ओवर बोलते हैं, और उस पर क्लिक करने के बाद कुछ भी जो लिखा हुआ आ रहा है वो एनिमेशन है उसका डाउन का, मतलब डाउन मतलब दबाने का, और ओवर मतलब बस उसको महसूस करने का उसके ऊपर लेके जाके है। आई ला कितना कन्फ्यूजिंग है। ओके तो अब हिट में, हिट एक्चुअली इसका जो हिट एरिया है मतलब ओवर, जब मैं इसको यहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि देखा ही था आपने। फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अभी इसका हिट एरिया बस ये जो सर्कल है उतना ही है, बट अभी मैं इसको F8 प्रेस करता हूँ, नहीं सॉरी इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसी के चारों, अभी इसका हिट एरिया यही सर्कल है, बट अभी मैं स्क्वायर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाहर जाता हूँ कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो पहले इसका हिट एरिया बस ये सर्कल था, बट अभी वो जो स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने इसके ऊपर रखा है, अब उसकी साइज का उसका हिट एरिया हो गया है। तो देखो ये माउस माउस का एरो अभी मैंने यहाँ रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट अभी जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, वो जो स्क्वायर की साइज थी अब एक्चुअली वो उसका हाइट एरिया बन चुका है। तो अभी ये ओवर में भी वही एरिया यूज करेगा स्क्वायर का, और क्लिक करने के लिए भी वही एरिया स्क्वायर का यूज करेगा, जैसे कि मैंने क्लिक किया कुछ भी शो किया। हाँ तो मतलब इजी है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर तुमको इसके ऊपर ही लेके जाके नॉर्मल सा एनिमेशन करना है तो ओवर यूज करो, फिर अगर इसके इसको क्लिक करके तुम चाहते हो कुछ भी हो तो डाउन यूज करो, और अगर तुम इसका हिट एरिया बड़ा करना चाहते हो तो हिट यूज करो, जैसे कि मैंने अभी किया था। ओके तो ये वीडियो डेफिनेटली पहली बार देखने पे तुमको समझ में नहीं आएगी, तो स्टॉप करो, धीरे से देखो 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 देखो, 2-3 बार देखो, सुनो अच्छे से समझो, और फिर उसके बाद भी अगर लगता है नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा, उतना ही वेला नहीं हूँ बट हाँ बता दूंगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि एक्चुअली ट्यूटोरियल नहीं होने वाला, ये बस मैं अपने बैकअप के लिए बना रहा हूँ। ओके तो बाय, इसका स्टॉप कैसे करते हैं, आइला एस्केप था।